सबसे पहले हम देख रहे हैं फॉस्फीन। फॉस्फीन का फॉर्मूला है PH3। स्ट्रक्चर बिल्कुल अमोनिया जैसा है, अमोनिया में एक लोन पेयर और तीन बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम। तो स्टेरिक नंबर अगर मैं देखूं तो इसका स्टेरिक नंबर होगा 3+1 वाला केस। 3+1 अगर होता है तो शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, जैसी अमोनिया की होती है, ठीक। पर अमोनिया के कंपेयर में बॉन्ड एंगल कंपेयर करो तो अमोनिया में क्या होता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा होती है। इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन इन बॉन्ड पेयर को अपने पास में बुला लेगा, और नाइट्रोजन जब बॉन्ड पेयर को पास में बुलाएगा तो उनमें रिपल्शन होगा और बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड एंगल अमोनिया में होता है 104 डिग्री और PH3 में होता है लगभग 90 डिग्री। बिकॉज ऑफ द मच डेविएशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल एंगल इट इज सेड दैट देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन इन PH3। तो ये ड्रेगो रूल से एक्सप्लेन होता है, दिस इज बाय ड्रेगोस रूल कि देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन इन PH3। PH3 पॉइजनस गैस होती है, हाईली पॉइजनस गैस। और बनाने का तरीका, सबसे पहला कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलाइसिस करवा दें। फॉस्फाइड में जो आयन पड़ा हुआ है P-3 पड़ा हुआ है नाइट्राइड की तरह, और वाटर का H+ इस पर अटैक करेगा तो गैस इससे बन जाएगी PH3, ठीक। एक रिएक्शन लास्ट क्लास में देखी थी कि व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में डिफरेंस का पॉइंट है कि ओनली व्हाइट फास्फोरस कैन रिएक्ट विद NaOH, और ये मैंने बताया था जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इनसे दो कंपाउंड बनेंगे PH3 और NaH2PO2, जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट है -3। अगर मान लो मैं सोडियम फॉस्फाइड की रिएक्शन करा दूं तो आयन इसके अंदर भी कौन सा पड़ा हुआ है P-3, और अगर मैं इस पर एसिड डाल दूंगा तो H+ आके P-3 से कंबाइन होगा और 3H कंबाइन होकर गैस कौन सी बन जाएगी PH3। CA3P2 का हाइड्रोलाइसिस करवाने की बजाय मैं HCl की रिएक्शन करवा दूं इससे, इसमें भी सेम चीज होगी, HCl देगा H+ और H+ अटैक करेगा P-3 पे, तो अगेन गैस इज PH3। अगली रिएक्शन है NH4I और NaOH की रिएक्शन, ठीक। तो ये आयन देगा PH4+, ठीक, और ये आयन देगा OH-। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे PH4OH, और PH4OH लाइक ऑफ NH4OH अनस्टेबल, और NH4OH देता है अमोनिया गैस प्लस वाटर। इसी तरीके से PH4OH दे देगा PH3 गैस, ठीक। तरीका है कि अगर कहीं पर PH3 गैस है और साथ में इंप्योरिटीज पड़ी हुई है, ठीक है, तो हम क्या करवाते हैं कि इंप्योरिटीज को हटाने के लिए सबसे पहले PH3 की रिएक्शन करवा देते हैं HI के साथ, इससे बनेगा PH4I, और इसे बाहर निकाल के PH4I की रिएक्शन NaOH से करवाएंगे तो प्योर PH3 गैस मिल जाएगी। तो PH3 प्योरिफिकेशन का मेथड क्या है, फर्स्ट रिएक्शन विद HI, देन रिएक्शन विद NaOH, HI से रिएक्शन पे PH4I और NaOH के साथ रिएक्शन पे PH3, जो कि ये वाली रिएक्शन है, ठीक। तो NH4OH gives ammonia and PH4OH gives PH3. फॉस्फीन गैस को अगर स्ट्रॉन्गली हीट अप करें तो अपने दोनों एलिमेंट में डिसोशिएट हो जाती है फास्फोरस और हाइड्रोजन, ठीक। अगर मैं PH3 की रिएक्शन HX से कराऊं तो PH3 में ये जो H+ होगा इट विल अटैक ओवर PH3, और जैसे अमोनियम आयन बनता है NH4+, वैसे PH4+ बनेगा और X- यहां से जुड़कर PH4X सॉल्ट बना देगा, ठीक। PH3 की रिएक्शन क्लोरीन से करवाई जाए तो क्लोरीन रिप्लेस करता जाएगा हाइड्रोजन को और पहले बन जाएगा PCl3। एक्सिस में अगर क्लोरीन ले लें तो फिर ये क्या करेगा, लास्ट में कंपाउंड बना देगा PCl5। अगर हम PH3 की रिएक्शन N2O से कराएं, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा, और यहां से क्या होगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करके ऑक्सीजन इसे दे देगा और इसको खुद बदल देगा +5 स्टेट में H3PO4। अगर हम कॉपर की रिएक्शन +2 की रिएक्शन करवाएं P-3 के साथ तो इसमें आयन कौन सा है +2 और इसमें आयन कौन सा है -3, आयन नहीं कर सकते अपन उसको,
कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्म में, पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -3। तो कंपाउंड्स हो सकते हैं कि कॉपर प्लस टू और पी माइनस थ्री मिलकर कंपाउंड क्या बना लेंगे, Cu3P, ठीक ना, ये चार्ज के एक्सचेंज से 3 यहाँ होगा, ठीक है, और 2 यहाँ होगा। ऐसे ही Hg2Cl2 के साथ भी क्या बना लेगा, ये फॉस्फाइड बना लेगा। इन फॉस्फाइड की खासियत क्या है कि अगर वाटर डाला जाए इन पर, तो अभी अपनी ये रिएक्शन लिख ली है कि अगर इन पर वाटर डाला जाए तो ये हाइड्रोलाइसिस से कौन सी गैस रिलीज करने लग जाएगा, वापस फॉस्फिन गैस। तो फॉस्फिन से ये बना और वापस वाटर से रिएक्शन करके फॉस्फिन बना सकता है, ठीक है। इसके बाद है होम सिग्नल। होम सिग्नल क्या है, या हॉल में जो भी बोलते हैं, हॉल में सिग्नल, ये पुराने टाइम में काम में लिया जाता था जब जहाज डूबता था, तो उस टाइम क्या करते थे, जहाज को दूसरे जहाज को सिग्नल देने के लिए, जब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी तो उस टाइम जो है, मतलब सैटेलाइट फोन तो नहीं हुआ करते थे, तो ऑब्वियसली जो है, जैसे दूसरे जहाज को बताने के लिए क्या करते थे कि एक ड्रम में ये दोनों कंपाउंड रखकर और ड्रम में थोड़ा सा छेद करके पानी में डुबो देते, ठीक ना। तो ये कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड CaC2 ड्रम में जैसे ही छेद होता था तो धीरे धीरे करके पानी उसमें रिसेगा, एंटर करेगा, तो वाटर की रिएक्शन इनके साथ होगी, हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस में इस पे H+ चला जाएगा तो ये फॉस्फिन गैस बना देगा PH3। ये तो अभी लिख ली ना अपने रिएक्शन, फॉस्फिन बनाने का रिएक्शन है PH3। और इसमें कैल्शियम कार्बाइड में C2-2 आयन है, तो C2-2 आयन पर इसका H+ अटैक करेगा तो ये कौन सी गैस बना देगा, एसिडिली। तो उस ड्रम में धीरे धीरे करके दोनों गैस बनने लग जाती, PH3 और एसिटिलीन। आपने वेल्डिंग जो वहां पर चमक देखी होगी ना, ऑक्सीएसिटिलीन, उसको बोलते हैं ऑक्सीएसिटिलीन, मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन का कन्वर्शन कराते हैं तो चमक होती है उसमें, ठीक है। तो एसिटिलीन गैस अगर जलती है एटमोस्फेयर में तो उस केस में क्या होगा कि चमक के साथ जलेगी। अच्छा, फॉस्फिन गैस क्या होती है, इट बर्न्स स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू इम्प्योरिटी ऑफ P2H4। जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो कुछ अमाउंट में P2H4 भी बनेगा, इट इज हाईली रिएक्टिव। तो उस केस में क्या होगा कि एकदम से गैस जलने लगेगी और इसके जलने के साथ ये गैस भी जलेगी एसिटिलीन। तो चमक के साथ जो है, जैसे यूं कह सकते हैं अपन कि आतिशबाजी जैसा जो है वहां पे हो जाएगा एक, तो दूर से ही बहुत ऊपर तक उठेगा ये गैस और वर्टेक्स रिंग इज फॉर्म्ड। तो ऊपर जाके जो है एक इस तरीके से रिंग बना देगा आसमान में। तो ये वाली जो रिंग है, इस वजह से पता लगता है कि जहाज जो है वो किसी खतरे में है, डेंजर साइन है ये एक तरह से। तो होम सिग्नल जो है वो डेंजर साइन है पुराने टाइम का, कि मतलब शिप डूब रहा है, ठीक है। आज के टाइम पे यूज नहीं करते हैं CA3P2 और कैल्शियम कार्बाइड। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कंपाउंड है, गैस जब वाटर एंटर करेगा ड्रम में, छोटे से छेद से वाटर एंटर करेगा, तो दो गैस बनेगी PH3 और CH2, और इन दोनों के मिक्सचर के जलने की वजह से वर्टेक्स रिंग इज फॉर्म्ड। क्लियर है पॉइंट ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से, अगर आपने टाइटेनिक मूवी देखी हो तो उसमें बताया जाता है कि ड्रम है ना, ड्रम फेंकते हुए देखते हैं पानी में, अगर किसी ने देखी टाइटेनिक है ना, तो उसमें बताया जाता है कि ड्रम जो है वो फेंका जाता है पानी में। तो आतिशबाजी इसलिए नहीं होती है कि मतलब हम डूब रहे हैं तो थोड़ा सा मजा कर रहे हैं, ठीक है। आखिर जो है PH3 और अमोनिया जो है, इनकी बेसिसिटी कंपेयर करें, ठीक। अमोनिया इज मोर बेसिक, और उसका कारण मैं पहले बता चुका हूं कि अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp3 ऑर्बिटल, इन PH3 लोन पेयर, अब हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता नहीं है, तो लोन पेयर इसमें पड़ा होता है प्योर s ऑर्बिटल में। s ऑर्बिटल पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो ये इस एटम के साथ मजबूती से बंधा हुआ है, और मजबूती से बंधा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम है, इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा, लेस बेसिक। और इसको आप वैसे भी याद कर सकते हो कि हाइड्राइड में जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ती जाती है, तो बेसिक नेचर कम होती जाएगी। पीरियोडिक टेबल का पॉइंट है कि हाइड्राइड में इधर जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी, नीचे भी एसिडिक नेचर बढ़ेगी, ठीक है, और एसिडिक बढ़ेगी तो बेसिक घटती जाएगी, तो PH3 लेस बेसिक। P2H4 को बोलते हैं डाइफॉस्फिन, फार्मूला इसका यह है, और लाइट जब इस पर पड़ती है तो PH3 गैस बनाएगा, साथ में
P4 रेड कंपाउंड बना देगा, रेड फास्फोरस। कह रहे हैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, ठीक है, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन तीन हो गए, लेकिन वास्तव में ये जो है वो डाइमर फॉर्म में पाया जाता है, डाइमर यानी कि P4O6। तो P4O6 का नाम भी हम ये रखते हैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होगा कि P4O6 इट इज अ डाइमर ऑफ P2O3, तो इसी के नाम पे इसका नाम भी रखा जाता है, ठीक ना। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। P4O6 का स्ट्रक्चर देखें अपन, तो चार फास्फोरस और चारों के बीच में ये ऑक्सीजन मुझे ड्रॉ करना है, ठीक। और फिर कोई दो फास्फोरस लेके आमने सामने वाले, उनमें दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर और इनमें अपोजिट में एक ऑक्सीजन। तो इसमें एक लोन पेयर और तीन बॉन्डेड एटम की वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक। अब P4O6 कैसे बनाया जाता है कि व्हाइट फास्फोरस को अगर ऑक्सीजन के साथ रखा जाए लिमिटेड, तो पहले बनाता है P4O6, और ऑक्सीजन अगर एक्सिस में ले ली जाए तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर P4O10 बना देता है। तो लिमिटेड ऑक्सीजन में P4O6 और एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन में P4O10, व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन से। P4O6 इज ए एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड हम उनको बोलते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड देने लग जाते हैं। तो ये कौन सा एसिड दे रहे हैं, फॉस्फोरस एसिड। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा एसिड बनेगा, तो यहां फास्फोरस की स्टेट है +3 और फास्फोरस एसिड में भी फास्फोरस की स्टेट है +3। अगर हम कोल्ड से रिएक्शन कराएंगे तो फास्फोरस एसिड बनेगा, और अगर थोड़ा सा गर्म कर दें तो ये अनस्टेबल होता है, तुरंत ही ये फॉस्फोरिक एसिड और PH3 देने लग जाता है। तो अगर हमें यहां वाटर हॉट कंडीशन में ले लूं तो हम डायरेक्ट इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, H3PO4 डिस्प्रोपोर्शन से और साथ में फॉस्फिन गैस। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया दोनों रिएक्शन में, कोल्ड वर्सेस हॉट वाटर, हॉट वाटर में डिस्प्रोपोर्शन और कोल्ड वाटर में सीधा एसिड फास्फोरस एसिड। ये पॉइंट याद करना है आपको, ये तो हमें देख लिया कि एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि एसिड दे रहा है, लेकिन जो नीचे वाले जो दोनों कंपाउंड है H4O6 और HB4O6 एम्फोटेरिक कहलाते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। ये पॉइंट याद करना होता है, देखकर नहीं बताया जा सकता है, ठीक। अगला कंपाउंड है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड का फार्मूला है P2O5 एंड इट एग्जिट्स इन द डाइमर फॉर्म P4O10, ठीक। तो P2O5 का डाइमर P4O10। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें कैसे बनेगा, तो P4O6 का स्ट्रक्चर ये है, इसमें हर फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है। अगर ऑक्सीजन इसके सामने आ जाए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसके साथ डबल बॉन्ड बना सकता है। तो सेम इस स्ट्रक्चर को मैं इधर ले आता हूं और इसमें जो है फास्फोरस का लोन पेयर काम आ गया डबल बॉन्ड ओ के साथ, तो ये कंपाउंड हो गया इस तरीके से P4O6 से P4O10। और हाइब्रिडाइजेशन, फास्फोरस कनेक्टेड विद 4 एटम्स, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन स्टिल sp3। P4 की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएं एक्सिस में तो क्या बन जाएगा, P4O10। अगर लिमिटेड से कराएं तो P4O6, एक्सिस के साथ P4O10। P4O10 अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो इट गिव्स फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन के बाद एसिड दे रहा है, इसलिए हम इस ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। और कौन सा एसिड मिलेगा ये देखने के लिए, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और ये वाटर से रिएक्शन करके फॉस्फोरिक एसिड, इसमें भी कौन सी स्टेट है, तो आप याद रख सकते हो कि एसिड जो मिल रहा है कौन सा मिल रहा है, +5 स्टेट वाला। P4O10 इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम किसको बोलते हैं, जो वाटर खींच सकता हो, ठीक है। तो वाटर ये स्ट्रॉन्गली अटैक करता है और खुद या तो मेटाफास्फोरिक या फिर फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। +5 स्टेट है यहाँ पे, तो पहले मेटाफास्फोरिक देन फास्फोरिक, तो वाटर स्नेच कर सकता है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। P4O10 इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
तो ये क्या काम करता है कि इसके बगल में जो कंपाउंड है उससे वाटर को निकाल सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ HNO3, तो HNO3 में क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल HNO3 के ले लूँ मैं और इन दो मॉलिक्यूल में से मैं एक वाटर निकाल दूँ, तो क्या बच जाएगा N2O। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर निकाल के इसमें से क्या बना रहा है N2O5, और खुद ये किसमें बदल रहा है HPO3 में, जिसको हम बोलते हैं मेटा फॉस्फोरिक एसिड। HPO3 इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसी तरीके से अगर मैं H2SO4 ले लूं, ध्यान देना, अगर H2SO4 में से H2 निकाल दें तो क्या बच जाएगा SO3 गैस, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। CH3CONH2 अगर ले लें तो CH3CONH2 में से H2O निकाल दूं तो क्या बच जाएगा CH3CN, तो ये ऑर्गेनिक में रिएक्शन काम आती है CH3CN के फॉर्मेशन। ठीक, किससे? एमाइड से। CH3CONH2 में वाटर निकाल देंगे P4O10 की हेल्प से। तो तीनों रिएक्शन में P4O10 किसका काम कर रहा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, यानी वाटर को निकालने का काम कर रहा है। ऑक्सी एसिड में हम देख रहे हैं H3PO3, इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड, है ना, हायर होता है फॉस्फोरिक, लोअर होता है फॉस्फोरस। ये डाई बेसिक होता है क्योंकि हम केवल वही हाइड्रोजन निकाल पाते हैं जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तुरंत ये इसको खींचकर H+ को सेपरेट कर देते हैं। तो हाइड्रोजन तो तीन है इसमें, लेकिन हम इसको क्या नाम देंगे? डाई बेसिक। फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो चार एटम से कनेक्टेड है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp3। फास्फोरस एसिड को लिखने का एक और तरीका है कि तीन OH लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, POH3। ठीक, बनाने के दो मेथड है जो ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, P4O6 का वाटर से रिएक्शन H3PO3, या फिर PCl3 का हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ। तो हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या हो रहा है, इसका H+ यहां से, सॉरी, इसका OH- ये टूटेगा दो चीजों में, H+ OH-, और ये Cl- है, तो OH- इज रिप्लेसिंग Cl- आर, तो Cl- हट जाएगा, तीन OH यहां पर लग जाए। H3PO3 जो फास्फोरस एसिड है अगर गर्म किया जाए तो ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो करता है, ये +3 स्टेट से एक तो चला जाता है +5 में और एक चला जाता है -3। तो ये मेथड फॉस्फिन गैस बनाने का भी हो गया। अगर मैं किसी तरीके से फॉस्फोरस एसिड बना लूं तो गर्म करने पे मैं फॉस्फिन गैस ले सकता हूं। H3PO3 इज एक्टिंग लाइक ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो H+ को रिड्यूस कर देगा Ag में, सॉरी Ag+ को, और Hg+2 को रिड्यूस कर देगा Hg, तो दोनों को रिड्यूस करने में काम आ रहा है, तो इट इज एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगला कंपाउंड है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H3PO4। H3PO4 इज कंसिडर्ड एज वीक एसिड इन आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना, तो ऐसा नहीं कि तीन एच है तो स्ट्रॉन्ग हो गया। वीक और स्ट्रॉन्ग हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं कि K की वैल्यू हाई है या लो है, अगर लो है तो हम उसको वीक एसिड बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, और हाइब्रिडाइजेशन फास्फोरस का पूछा जाए तो sp3। सॉरी, इसमें तीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो मैं तीनों हाइड्रोजन निकाल सकता हूं। दिस इज ए ट्राई बेसिक एसिड, ये डाई बेसिक था, ये ट्राई बेसिक है, तीन H+ देने की वजह से। कैल्शियम फॉस्फेट की रिएक्शन H2SO4 से करा दे, आयनिक रिएक्शन है, इसके अंदर पड़ा हुआ है फॉस्फेट आयन PO4- यहां से 3, तो PO4- 3 आयन पे H+ अटैक करेगा, तो एसिड क्या बन जाएगा H3PO। HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये P4 को ऑक्सीडाइज करके फाइनली कहां ले जाता है, 0 से +5 स्टेट। तो अगर मैं फास्फोरस वाइट की रिएक्शन HNO3 के साथ कराऊं तो इससे मुझे H3PO4 मिल जाएगा एसिड। अगला रिएक्शन है PCl5 का हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो हाइड्रोलाइसिस के दौरान इसका OH- Cl- को रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा POH5,
और ये अनस्टेबल होगा क्योंकि पांच ओ एच ग्रुप है इसके पास, तो ये वाटर का एलिमिनेशन करेगा और उससे लास्ट में बन जाएगा H3PO4। ठीक, अगर हम H3PO4 को गर्म करें 220 डिग्री पर, तो इसके दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। अगर मैं दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालकर एक नया एसिड बनाऊंगा, तो एसिड के नाम के शुरू में वर्ड आ जाता है पायरो एसिड। तो फास्फोरिक के आगे पायरो लग गया, तो ये बन गया पायरो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, और फार्मूला क्या हो जाएगा, छह हाइड्रोजन में से दो निकाल दिए, ठीक है, H4P2, और आठ ऑक्सीजन में से एक निकाल दिया, तो H4P2O7 इज कॉल्ड एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फार्मूला कैसे बनेगा कि मैं दो ये वाले मॉलिक्यूल ले लूं H3PO4 और उनके दो OH ग्रुप को पास में लाऊं, तो जहां दो OH ग्रुप आएंगे इस तरीके से, तो वहां पे यहां से एक H2 का एलिमिनेशन हो जाएगा और बीच में एक ऑक्सीजन बॉन्ड की तरह आ जाएगा, तो दोनों फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल आए, तो दो OH आए इनके, उनसे वाटर निकल गया और ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, बाकी इधर बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। अगर पूछा जाए कि ये कितना बेसिक है, तो इट इज टेट्रा बेसिक। टेट्रा बेसिक का मतलब मैं यहां से चार हाइड्रोजन सेपरेट कर सकता हूं। स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या पूछ सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें, sp3। ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, ये पूछ सकता है हाउ मेनी पीपी बॉन्ड्स आर देयर, तो कितने पीपी बॉन्ड होंगे इसके अंदर, जीरो। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन इस तरीके से जेई में पूछे जाते हैं। अगर हम 220 डिग्री पे कर रहे हैं तो पायरोफॉस्फोरिक है, और अगर हम 316 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। मेटा वर्ड कब आता है एसिड के आगे, कि एसिड का एक मॉलिक्यूल ले लूं मैं और इसमें से वाटर निकाल दूं, तो H3 में से दो हाइड्रोजन निकल गए, एक H बच गया, फास्फोरस ऐसा का ऐसा, चार ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो नया एसिड क्या बना, HPO3। तो एसिड के दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकालूंगा तो पायरो वर्ड आगे लगेगा, और एसिड के एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल के नया एसिड बनाऊंगा तो मेटा वर्ड आगे लग जाएगा, तो दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है पॉइंट ये, ठीक है ना, दो में से पायरो और एक में से मेटा, क्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड हमने किसको बोला है, HPO3 को, और ट्राईसाइक्लिक है तो इसका मतलब इसमें कितने पड़े हुए हैं, तीन। अब जय ने पूछा था हाउ मेनी पीपी बॉन्ड्स आर देयर इन ट्राईसाइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका कि तीन फास्फोरस बनाएंगे ट्राइंगल में, और हर फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और हर फास्फोरस के साथ इधर OH डबल बॉन्ड, तो OH डबल बॉन्ड हो OH डबल बॉन्ड, तो पीपी बॉन्ड की संख्या कितनी होगी इसमें, जीरो। आंसर वाज जीरो। हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा, sp3। और अगर इसकी बेसिसिटी पूछ ली जाए कितना H+ ही दे सकता है, तो 1, 2, 3, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, ट्राई बेसिक। दिस इज ट्राई बेसिक। अगला कंपाउंड है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3। स्ट्रक्चर इसका होगा फास्फोरस के साथ एक लोन पेयर, तीन Cl जुड़े हुए हैं, स्टेरिक नंबर 1+3 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3। शेप इसकी अमोनिया की जैसी, ट्राइगोनल पिरामिडल, जैसा अमोनिया होता है वैसा का वैसा है, 3+1 वाला केस। बनाने का मेथड, फास्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन से, लिमिटेड क्लोरीन से PCl3 और एक्सिस ऑफ क्लोरीन के साथ जो है PCl5, जो कि रिएक्शन आगे चली जाएगी PCl5 तक। P4+SOCl2 से PCl3 बनेगा, जिसका हाइड्रोलाइसिस हमने करवाया था, तो Cl वाज रिप्लेस्ड बाई OH ग्रुप, तो ये लास्ट में चला जाएगा फास्फोरस एसिड में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 हो जाएगा। बनाने का मेथड, फास्फोरस के साथ क्लोरीन एक्सिस में PCl5, यानी कि यही रिएक्शन आगे चली जाएगी और PCl3 कन्वर्ट्स इनटू PCl5। P4+SO2Cl2 से PCl5, याद रखना है रिएक्शन। PCl5 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा,
यानी तीन क्लोरीन तो एक ही प्लेन में होंगे 120 डिग्री पर, और दो क्लोरीन उसके परपेंडिकुलर होंगे ऐसे। अगर मैं इसको इनके साथ मिलाऊं तो पिरामिड बनेगा, इसको इनके साथ मिलाऊं तो पिरामिड बनेगा, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं, टीबीपी। ठीक। अब यहां पे क्या होता है कि ये इक्विवेलेंट ऑर्बिटल नहीं है, यानी कि इसकी लेंथ अलग होगी और इसकी लेंथ अलग होगी। तो होता क्या है कि दीज आर कॉल्ड एज एक्सियल बॉन्ड, दिस इज इक्वेटोरियल बॉन्ड। और उनमें से ये फैक्ट होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है एक्सियल बॉन्ड, इट इज लॉन्गर एंड वीकर। तो अगर मैं PCl5 को गर्म करूंगा तो ये दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे और हमें क्या चीज मिल जाएगी, PCl। तो PCl5 को गर्म करने में मिलता है PCl3 और Cl। जो दो क्लोरीन निकले हैं कहां से निकले हैं, एक्सियल पोजिशन से। CH3Cl बनाने का मेथड, जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं अपन PCl5 के साथ, तो होता यह है कि OH यहां से रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा, Cl। तो CH3Cl ऑर्गेनिक में रिएक्शन आती है कि इसको कैसे बनाया जा सकता है, एसिटिक एसिड और PCl5 की रिएक्शन। ऐसे ही अगर मैं यहां OH को रिप्लेस करा दूं क्लोरीन से, तो यहां क्या बन जाएगा, C2H5। तो क्लोरीनेशन में काम आता है PCl5, और अगर C2H5OH या CH3COH से रिएक्शन करा दे तो ये OH हटा के उसकी जगह क्लोरीन लगा दे। फास्फोरस फर्टिलाइजर का फार्मूला है CaH2PO4 2। ये नॉलेज पर्पज के लिए लिखा है, याद रखना है आपको। अभी अपन ने लिखा था H4P2O7 का स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर है H4P2O6 का, जिसमें पीपी बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ले टेट्रा बेसी के साथ में ये, दिस इज टेट्रा बेसी H4P2O7। ठीक है, इसका नाम ये समझिए, स्ट्रक्चर याद रखना है, पीपी बॉन्ड इसमें पाया जाता है, एसिडिक नेचर में। अब ये एक एक्सेप्शन की तरह काम कर रहा है, कायदे से क्या होना चाहिए, जैसे जेई मेन में आया था लास्ट ईयर कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करूं, +5 +3 +1। तो HClO4, जैसे ये क्वेश्चन जेई मेन का था लास्ट ईयर का, HClO4 HClO3 HClO2 और HOCl में एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा। तो ये चीज हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, +7 +5 +3 प्लस। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग जाता है, वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ती है और उसका एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। तो ये ऐसा कैसा ऑर्डर यहां भी होना चाहिए था, है ना, पर ये एक्सेप्शन है, मतलब प्रैक्टिकल डेटा इसको सजेस्ट नहीं करता है, प्रैक्टिकल डेटा के हिसाब से ये उल्टा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें है H3PO2, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ये वाला फास्फोरस और ये फास्फोरिक, इसका नाम है हाइपोफास्फोरस। ठीक। अब इसका कारण कैसे एक्सप्लेन किया गया है कि हाइपोफास्फोरस एसिड में ये ऑक्सीजन जो यहां रखा हुआ है, ये अपने इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, माइनस आई इफेक्ट होता है इसका, और माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या करता है, इस ऑक्सीजन पे माइनस आई लगाकर तुरंत इस हाइड्रोजन को अलग करवा देते हैं। इसमें क्या होता है कि यहां जो ऑक्सीजन इंडक्टिव इफेक्ट लगाने वाला है, इसका माइनस आई इफेक्ट इन दो एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दो एटम पे डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से ये उतना पावरफुल इंडक्टिव इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा इसके ऊपर, तो इसकी एच प्लस देने की टेंडेंसी, पहला एच प्लस देने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इसी तरीके से मैं तीन OH लगा दूं, किसमें, H3PO4 में, तो वहां पे क्या होगा कि ये जो इसकी पावर है ये डिस्ट्रीब्यूट होगी तीन OH में इस तरीके से। तो ये माइनस आई इफेक्ट जो है तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसकी एच प्लस के अलग होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग है, इसका अलग है। इसमें तो हम ये बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, एसिडिक नेचर बढ़ती जाए, तो ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक्सेप्शन। क्या